ग्रैंड ओपनिंग अपना बेक एंड शेक ऑल बेकरी एंड बर्थडे आइटम। हमारा पता है स्नेह नगर टैगोर विद्या निकेतन स्कूल जेल के पीछे सागर मध्य प्रदेश। सागर जिले के बंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत कदारी के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत द्वारा की जा रही अनियमितताओं को लेकर अपना विरोध जताया है और सचिव सरपंच के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद एसडीएम बंडा को एक ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि कंपोस्ट पिट योजना अंतर्गत गड्ढा होता है जिसमें सरपंच और सचिव ने 2 महीने पहले पैसे निकाल लिए और जब सागर कलेक्टर से शिकायत की तो सचिव द्वारा बीती रात को जेसीबी से किसान के खेत में गड्ढा कर दिया। इन्हीं अनियमितताओं के चलते ग्राम पंचायत में काफी भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए सचिव और सरपंच पर कार्रवाई की जाए। क्या समस्या है आपको? नल जले में चढ़ाते हैं तो फिर उनका दिक्कत जा रही। दिक्कत जा रहा है, सचिव मंगा रहे 5,000 रुपया दियो हमारे जाने मैंने महीना की। हम अपने खुद निजी अपने कनेक्शन है, हम उसे चलाओ उसे मैं बोला कि हमारे मतलब हमें दो पैसा। कौन सी पंचायत है? हमें भी जाना। ग्राम पंचायत कनाली। ग्राम पंचायत कनाली। किस गांव से आए? ग्राम पंचायत कनाली। क्या समस्या लेकर आए? समस्या ग्राम पंचायत कनाली में घूसखोरी वगैरह सचिव द्वारा हो रही है, इसलिए हम लोग एसडीएम मैडम को ज्ञापन देने आए थे। किस प्रकार की घूसखोरी? यही कि मस्टर किसी के पैसे निकाल लेते हैं, गड्ढा करवा के किसी का कुआ करवा के किसी के पैसे निकाल लेते हैं। किसके निकाले? नाम ही कहते संतोष सिंह हमारे साथ में उनकी निकाले हैं। कितने साल? आपने कितने पैसे निकाल लिए? गड्ढा के 6,000 रुपये। और आपको पता नहीं है? पता। आपके नाम के निकल गए तो इस संबंध में आपने किससे शिकायत की है? पता पाई। हाँ, कलेक्टर के। इस संबंध में कलेक्टर साहब से शिकायत कर चुके हैं आप लोग? आज एसडीएम के आए हैं। क्या नाम लिखते हैं आप अपना? विशाल सेलू। आज आप लोग बंडा आए हैं, क्यों आए हैं आज बंडा? हम लोग कुटी के मामले में आए हैं। ये कुटी है जो ये बना दी, माने इसकी बाद की कुटी बना दी, वो पहले की बना दी। ये 40 नाम छोड़ दिए उन्होंने। क्यों नहीं बन पा रही, कुछ कारण बताया? ये अब खाऊ को नहीं, उसका चल रही है वो। मैं जो कि पैसा दे रहा हूँ उसके काम हो रहा है, हम लोग नहीं हो रहा है, हमारा पैसा नहीं दे रहा है। ये जो नामों की लिस्ट लिए हैं इन पर क्या कार्रवाई हुई? इन पर क्या कार्रवाई है कि ये सचिव ने पैसा ले लाया जो जो इन्होंने उनके काम करता है, हम उन्होंने नहीं दिया पैसा, हम उन्होंने काम नहीं हो रहा है। आपसे मांग की थी उन्होंने पैसे की? हम उन्होंने कही थी, हम उन्होंने पैसा नहीं दिया। कितने पैसे मांग आए थे? 10,000 रुपये एक कुटी पर मंगा रहे हैं ये रिवाइज करवाने के लिए। 40,000 रुपये दे, 40 नामों के सचिव के नाम है। सचिव ने बोल दी थी थर्ड पार्टी को दे दो, थर्ड पार्टी को सचिव के हाथ में दिए, सचिव ने थर्ड पार्टी को दे दिए पैसा। उन्होंने माने जी रिवाइज करके पहुँचाई, उन्होंने नई कुटी नाम जुड़े यहाँ पे। आप इस तरीके से कैसे आरोप लगा सकते हैं कि त्रिपाठी पैसे दे दिए? वो अधिकारी है, क्योंकि अरे तो एक अधिकारी पर आरोप लगाना आप किस? सचिव ने बोली थी, सचिव ने बोली थी। अच्छा, इस पर ऐसी सचिव ने बोला? हाँ, सचिव ने बोली, सचिव साथ में भी थे, सचिव के हाथ से पैसा दिए। आज कनारी के ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया है ग्राम पंचायत के खिलाफ की कोई गड्ढा, और जब से कलेक्टर से शिकायत थी तो गड्ढा खोद दिया। पूरा प्रकरण क्या है? गड्ढा अक्टूबर में हो गया था कार्य पूर्ण, बाकायदा मूल्यांकन हुआ और पेमेंट भी किया गया। सोमवार के दिन हम लोग पंचायत में बैठे थे तो धर्मेंद्र पिता सूरज सिंह, राजकुमार पिता सूरज सिंह और उनके साथी लोग आए और फर्जी खसरा विवरण की नकल लेकर आए, बोले मुझे कुगा खुदवाना है तो प्रस्ताव दीजिए और कुगा स्वीकृत करा दीजिए। तो मैंने बोला आप नकल दे दीजिए, हम चेक करके पोर्टल पर और आगे कार्रवाई करेंगे। तो मैंने पोर्टल पर चेक की, ये नकलें हैं उनकी दी हुई, ये फर्जी नकल है। और मैंने पोर्टल पर चेक की तो उनकी ज़मीन 2.5 एकड़ से ज़्यादा निकली और फर्जी नकल में 2.5 एकड़ से कम बना कर दी है। ये नकल है फर्जी, जे फर्जी है और जे असली है। तो फिर दूसरे दिन बोले प्रस्ताव दे दीजिए। तो मैंने कहा भैया 2.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है आप लोगों की, जो फर्जी नकलें हैं। तो उसी दिन से ये लोग शिकायत कर रहे हैं, उल्टी सीधी झूठी शिकायतें करने पे आमादा हैं, उसी दिन से दबाव बना रहे हैं प्रस्ताव के लिए। बस देखिए, जो भी जो लोगों का कहना है ये पूरे सारे आरोप निराधार है। जिनका नाम आवास की 2011 की पात्रता सूची में नहीं है उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। आवास योजना में उन्हीं के आवास बन रहे हैं जिनका नाम 2011 की पात्रता सूची में है। जिनका नहीं है उनका नाम भारत सरकार द्वारा आवास प्लस ऐप में जोड़ा गया है। ग्रामवासियों द्वारा मांग की गई थी कि आवास ऐप के जो नाम जुड़े हैं उनका भी आवास दिया जाए,
जबकि शासन द्वारा अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। सारे आरोप निराधार एवं गलत है। बंडा से सूर्य कुमार दुबे के साथ रवि सेन, सागर टीवी न्यूज। ऐसा स्वाद जो रहे हमेशा याद, श्री सागर एवं शिव सागर नमकीन सभी बेकरी एवं किराना स्टोर पर उपलब्ध है। बाबा महाकाल फूड प्रोडक्ट नमकीन के थोक एवं फुटकर विक्रेता।